मेरा मोटिव ये था कि आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट यूट्यूब कम्युनिटी, तो मेरे को ये नहीं था कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को जीतना है या क्या करना है, ऐसा मेरा कोई प्लान ही नहीं था. मेरा प्लान ये था कि चलो आई विल गो एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दे टोल्ड मी कि पहली बार आया OTT 24 आवर्स जियो सिनेमा पे आ रहा है, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है यूट्यूब को रिप्रेजेंट आज तक किसी ने नहीं करा, तो आई विल लाइक ठीक है आई फील आई एम स्ट्रॉन्ग समवेयर एंड आई कैन गो इनसाइड एंड रिप्रेजेंट माई सेल्फ एंड माई कम्युनिटी. आई रिमेंबर सो जो मेरी कोलीग थी साथ में उनका नाम दिव्या था, तो जब भी लाइक मैंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया था कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने उनको ना 100 के मेरे तब हिट होने वाले थे, तो मैंने उनको पार्टी दी थी. तो उसके बाद जब चैनल मेरा 6 महीने के बाद अच्छा ग्रो हो गया था, तो उनका मैसेज आया था एक दिन, रियली हैप्पी कि यू आर डूइंग सो वेल. अब हुआ ना सर्कल पूरा, है ना, अब हुआ सर्कल पूरा. अभिषेक आई यू नो वही ना, जब कोई हंसते हंसाते लोगों अपनी जिंदगी काट देते हैं, उनको लगता है यार इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होगी, बट आई नो यू हैड योर ओन जर्नी. मेरे को मतलब एक टाइम आ गया था यूट्यूब के अंदर जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, बट आई वॉज लाइक क्रिएटिंग कॉन्टेंट जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था और लाइक इंडिया में कोई कर नहीं रहा था. बिल्कुल. सो वो कॉन्टेंट बनाते 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 बट आई वॉज गेटिंग लाइक वही व्यूज. सो मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये हिट होता गया, नहीं 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 यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ व्यूज फिर भी वही है. तो एट दैट मोमेंट मैं बड़ा एकदम ऐसा होता कि क्या मेरे को वो वीडियोस कंटेंट स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज सबको ऐसा था कि अब 24 आवर्स कहीं बिता के आना, जैसे जब हमने जंगल में बिताया 24 आवर्स, फिर तबीयत खराब होना क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसकी प्लानिंग प्लानिंग, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात आ गई थी कि मेरे को भी शायद घर पे रहना चाहिए या व्लॉग्स करने चाहिए या कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए अपने कॉन्टेंट में. तो एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगता कि एम आई ऑन द राइट पाथ या नहीं, या मुझे कुछ लाइक बिकॉज जब तुम कुछ डिफरेंट चल रहा होता है, मतलब एक सेम चीज़ चल रही है और उससे हट के डिफरेंट करते हो, तो उस मोमेंट मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सही वीडियोस बना रहा हूँ नहीं बना रहा, क्या ये कंटेंट इंडिया में हिट करेगा नहीं करेगा. बढ़िया मेरे को हमेशा निश्चय बोलता था कि तू कर जो कर रहा है वो कर, चाहे कम डाल बट तू डाल, पर यही कंटेंट रहा है, स्विच मत कर. तो मैं करता गया एंड फाइनली अभी लोगों को अच्छा लगने लगा और पीपल अप्रिशिएट और वो कहते हैं कि चलो कुछ डिफरेंट कर रहा है. तो वो जो चीज़ है वो मेरे को अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि हाँ एटलीस्ट कोई बंदा है जो डिफरेंट कुछ वही सेम चीज़ नहीं कर रहा. लेकिन YouTube की शान, YouTube कम्युनिटी की शान कहोगे आप आज तो, मतलब अभिषेक इंसान YouTube की शान है कि नहीं बताओ. अरे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब द फैक्ट दैट ही वेंट टू अ शो बिग बॉस जहाँ पे सिर्फ एक्टर्स वैसे लोगों को लेते थे बहुत पॉपुलर थे, YouTube की पूरी कम्युनिटी आई थिंक वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू रिप्रेजेंटेड हिम एंड लुक वेयर हैज टेकन यू. मतलब ऑडियंस अगर इतनी है अब तो मतलब पूरी लाइक आई वाज डिस्कसिंग पूरी कंट्री जानती है आपको. सो बेसिकली जाने से पहले भी मतलब उनको उन्होंने जब मेरे को सेकेंड मेरा इंटरव्यू होता तभी उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि वी विल सी यू इन द बिग बॉस हाउस. सो मेरा मोटिव ये था कि आई वांट टू रिप्रेजेंट यूट्यूब कम्युनिटी, तो मेरे को ये नहीं था कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को जीतना है या क्या करना है, ऐसा मेरा कोई प्लान ही नहीं था. मेरा प्लान ये था कि चलो आई विल गो एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दे टोल्ड मी कि पहली बार आया OTT 24 आवर्स जियो सिनेमा पे आ रहा है, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है यूट्यूब को रिप्रेजेंट आज तक किसी ने नहीं करा, तो आई विल लाइक ठीक है आई फील आई एम स्ट्रॉन्ग समवेयर एंड आई कैन गो इनसाइड एंड रिप्रेजेंट माई सेल्फ एंड माई कम्युनिटी. तो फिर मैं वहाँ गया एंड लिटरली अब मैं जब वहाँ से बाहर आया तो आई सी सारे TV एक्टर्स ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया. देखो कि ओके यूट्यूब में इतनी पावर है, यूट्यूब ऐसा मतलब ऐसा नहीं कोई प्लेटफॉर्म है. क्रिएटर्स को जो एक रिस्पेक्ट थी ना आई थिंक वो इधर से आई है बिकॉज ही डिड रियली वेल. एवरीवन इनिशियली वाला ही प्लेड वेरी वेल एंड आई डोंट हैव टू से इट, आई कैन जस्ट पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट लेट मी से दैट वेरी डिफिकल्ट टू स्टे रियल. आई थिंक you are one of the most real candidates there and it's very difficult in that house ki thoda apne aap ko zyada kar lu, thoda dikhne ke liye ye kar lu, you could have done it, you didn't. So hats off, thank you. So basically mera yahi point tha jis motive ke liye main gaya tha. Ek pehle logo ko aise kehte are matlab agar aapne show bhi dekha usme bhi wo aise TV actors bhi like youtuber hi to hai, youtuber bilkul are यूट्यूबर ही तो, और बाहर आके दिल अरे यूट्यूबर है और अब वो खुद यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं. अगेन वी वांट टू, आई थिंक वो जो एक यू नो बाकी जो इंडस्ट्रीज थी वो क्रिएटर्स को शायद उतना वो एक्सपोज नहीं थे, उनको इतना जानते नहीं थे. अब भी दे हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग के हां एंड इवन द क्रिएटर्स आर डूइंग सो वेल. जो शो वाले मेकर्स हैं दे आर लाइक नाउ हर जो चीज है वो कर रहे हो, दे वांट यूट्यूबर्स टू बी द पार्ट ऑफ दोस थिंग्स एंड दे हैव रियलाइज्ड दे आर लाइक मतलब मैं उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी कह रहे कि सारे आज तक के सीजन्स मिला के ऐसा बज नहीं हुआ जो आप लोगों ने क्रिएट करा. एंड लाइक ठीक है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा होगा बट इतना अच्छा होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था.